बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफ़गान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बख़ैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है और अगले चंद घंटे और अगले चंद दिन इंतहाई अहम रुख इख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि तालिबान की जो स्पीड है, जिस रफ्तार के साथ वो मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर कब्जे जो हैं उन्हें जारी रखे हुए हैं और मुख्तलिफ की एरियाज़ जो हैं, मुख्तलिफ सूबाई दारुल हुकूमत जो हैं, उन पर जिस रफ्तार और जिस तेज़ी के साथ तालिबान की पेशकदमी जारी है और दूसरी जानेब अफ़गानिस्तान की फोर्सेस के मोराल गिरने का सिलसिला जारी है, उससे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि सकूते काबुल यानी कि द फॉल ऑफ काबुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका है। और अब बहुत जल्द जो है वो इस तरह की खबर भी सामने आ सकती है कि अफ़गानिस्तान के ऊपर मुकम्मल तौर पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। इस सब के अंदर दसवां सूबाई दारुल हुकूमत भी बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान के हाथ में आ चुका है। ये कितना अहम सूबाई दारुल हुकूमत है, इसकी पोजीशन क्या है, इसके एरिया की इम्पॉर्टेंस क्या है, उस हवाले से आज की इस वीडियो में बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि इसके साथ ही साथ अफगान तालिबान ने आज बाकायदा तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। इससे पहले उन्होंने भारत के अफगान आर्मी को दिए गए MI-35 हेलीकॉप्टर्स पर कब्जा करके एयर पावर तो हासिल कर ली थी, लेकिन आज अगर तालिबान का हाथ पड़ा है तो उनका हाथ अमेरिका के खुसूसी ड्रोन्स पर पड़ चुका है। और अब फजाई ताकत जो है, जो एक चीज अफगान तालिबान लैक कर रहे थे, वो भी उनके हाथ आ चुकी है। जबकि इसके साथ ही साथ जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम इस वक्त मैदान जंग में मौजूद है, वो खुद मजार शरीफ के अंदर मौजूद है और वहां पर मुख्तलिफ हंगामी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लेकिन अब्दुल रशीद दोस्तम की कहानी भी आज खत्म होते होते रही है और वो बाल बाल उसका पूरे का पूरा अपना सियासी करियर, उसकी मलेशिया और उसकी आने वाली लाइफ जो है वो सब कुछ आज बाल बाल बचा है, कहानी खत्म होते होते रही है। इस हवाले से भी हमारे अफगानिस्तान के अंदर जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएगी। चार मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर हम इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा यह साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जो धमाकेदार खबर आई है वो दसवें सूबाई दारुल हुकूमत की हवाले से है और जुम्मे के दिन के बाद यानी कि जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद अफगान तालिबान ने मुख्तलिफ सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जे की जो जंग है वो शुरू की, जबकि उससे 10-15 दिन पहले वो तीन शहर जो हैं, तीन सूबे जो हैं, उन पर कब्जा करना चाहते थे। एक था हलमंद का दारुल हुकूमत लश्कर का, दूसरा हरात सूबे का शहर और शहर का नाम भी हरात ही था, और तीसरा कंधार। इन तीनों शहरों के लिए 10 दिन से जंग जारी थी। जब तालिबान ने ये देखा कि पूरी की पूरी अफगान आर्मी यहाँ पर मशगूल है, इनकी एयरफोर्स यहाँ पर मशगूल है, ये पूरी ताकत के साथ अपने कमांडोज यहाँ पर भेज चुके हैं, तो तालिबान ने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए दूसरे सूबों पर यलगार कर दी। और आज के दिन तक, अभी की जो खबर आई है उससे पहले, तालिबान 9 सूबाई दारुल हुकूमत यानी कि 34 में से 9 सूबों पर अपना परचम लहरा चुके थे। लेकिन आज जो खबर आई है उसमें आज तालिबान ने 10 का फिगर जो है वो अबूर कर लिया। इसके अलावा 50% इजला जो है, 50% डिस्ट्रिक्ट जो है अफगानिस्तान की, वो भी ऑलरेडी तालिबान के कब्जे में है। आप ये खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दसवां दारुल हुकूमत तालिबान के कब्जे में, सूबा गजनी के सदर मकाम गजनी शहर पर कब्जा कर लिया गया। गवर्नर हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर, सेंट्रल जेल समेत तमाम हुकूमती इदारों पर तालिबान ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है, यानी कि ऑल की बिल्डिंग्स आर राइट नाउ इन द कंट्रोल ऑफ अफगान तालिबान। और वहां पर अफगान तालिबान ने बाकायदा तौर पर गजनी शहर जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है। इस शहर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और यह शहर अब कोई बॉर्डर रीजन का शहर भी नहीं है। आप ये खबर देख सकते हैं, सूबा गजनी के दारुल हुकूमत गजनी शहर पर तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया और इसमें नक्शा दिया गया है और ये बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान का जो दीगर इलाके हैं उनके बिल्कुल पास है। और इस पूरे अफगानिस्तान के अंदर ये सेंट्रल अफगानिस्तान की तरफ अब तालिबान जो है उनके कदम बढ़ रहे हैं इस सूबे के बाद। जबकि इस सूबे के अंदर भी वही मामला हुआ, जंग बहुत ज्यादा नहीं हुई, जंग तो इन तीन चार सूबाई दारुल हुकूमतों के अंदर ही हुई है, बाकी वही बात आ गई कि डराया ज्यादा और मारा कम या घसीटा ज्यादा, तो सरेंडर करने का सिलसिला जारी है और वहां से जान बचाकर भागने का सिलसिला जारी है। ऐसे वक्त के अंदर अब कोई नई मलेशिया कायम करना अशरफ गनी के लिए भी मुश्किल हो चुका है क्योंकि मुराल डाउन हो चुका है। आप ये खबर देखें, गजनी के गवर्नर
गवर्नर मोहम्मद दाऊद लगमानी तालिबान से माहदे के बाद काबुल की तरफ जाते हुए। तालिबान ने गवर्नर को सरेंडर के बाद साथियों के हमराह जाने का रास्ता दिया। गजनी की सूबाई काउंसिल के सरबरा रफीक नासरी ने लगमानी पर तालिबान से मिली भगत का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि गवर्नर की सरगर्मियाँ पहले से ही मशकूक थीं, यानी कि अंदर खाते भी अब इनके इख्तलाफात आ रहे हैं। जो सरेंडर करता है उस पर बगावत का इल्ज़ाम लगता है, जो सरेंडर नहीं करता वो तालिबान की तहवील में चला जाता है या उससे पहले ही भाग जाता है। लेकिन इस सब के अंदर मामलात जो हैं वो इनके लिए बड़े ही ख़राब हो चुके हैं और मामलात जो हैं वो बड़े ही गंभीर हो चुके हैं। और आपको अगर हम ये दिखाएं कि आप ये देख भी सकते हैं, तालिबान ने गजनी के पुलिस हेडक्वार्टर और गवर्नर ऑफिस जो है उसका कंट्रोल हासिल कर लिया। ये दोनों साथ ही साथ हैं और इनके हवाले से मैं आपको ये वीडियो क्लिप जो है ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो तालिबान ने खसूसी तौर पर जारी किया है। داغم ولایت مخه دا اوغه نور طالبان چې ولر دی مجاهدین اوغه دی کمانډانی دی ولایت مخه دا اوغه جامع جمعه دل جهاد او داغم دی کمانډانی دروازه ټول خلاص او داغم عمومي دی کرباغ عمومي سرک। नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो जो है ये मुलाहिज़ा फरमाई, इसके साथ ही साथ अब तालिबान ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसने रॉयटर्स के साथ ये बात इसे कंफर्म की। दुनिया की जो एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है उसे अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ये बात कन्फर्म की है कि अफ़गान तालिबान मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर काबुल का मुहासरा कर लेंगे, काबुल को आइसोलेट कर देंगे और काबुल का दीगर सूबों के साथ पूरे अफ़गानिस्तान के साथ राबता मुनक़ता कर देंगे और मैक्सिमम 90 डेज़ लगेंगे। इसके बाद कल व्हाइट हाउस के अंदर एक प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें एक सहाफ़ी ने व्हाइट हाउस की तर्जुमान से यह सवाल पूछा कि इत्तलात ये आ रही हैं कि तालिबान अगर चाहें तो 3 दिन के अंदर काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। इस पर व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा नो कमेंट्स। और अब इस हवाले से तालिबान ने भी तस्दीक कर दिया और तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है, वो आप देख सकते हैं। काबुल पर कब्जा महीनों की नहीं हफ्तों की बात है, जब चाहें कब्जा कर सकते हैं, यानी कि जब हमारा दिल होगा हम यहाँ पर कब्जा करेंगे। इसके साथ ही साथ एक जानब तो अफगानिस्तान के जो फौजी हैं उनका मोराल है, वो सरेंडर कर रहे हैं, तो दूसरी जानब अब आर्मी चीफ भी बदला गया है, करप्शन पर वो जाती दुश्मनियां निभा रहा था और ऐसे क्रूशल वक्त पर इस तरह के बौखलाए हुए इकदाम कर रहे हैं। दूसरी जानब अफगान हुकूमत जो है वो क्योंकि कस्टम बॉर्डर सारे जो बॉर्डर्स हैं उन पर तालिबान का कब्जा है, वहां से रेवेन्यू भी नहीं ले पा रही, जो पैसा है हुकूमत बैंक्रप्ट होने के करीब है, तो अब एक और बहरान ने भी जन्म ले लिया। और आप ये देख सकते हैं अफगान फौजियों और पुलिस एहलकारों को बाकायदगी से तनख्वाह नहीं मिलती, मुनासिब खुराक पानी गोला बारूद और असलहा फराहम नहीं किया जाता, सप्लाई लाइने गैर फाल हैं, हथियार गोला बारूद और दीगर सामान ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो जाता है जहां से तालिबान खरीद लेते हैं और ज्यादातर हिस्सा तालिबान तक पहुंच जाता है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट, और ये दुनिया का एक बहुत ही क्रेडिबल जरीदा है फॉरेन पॉलिसी जिसकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है, तो इस सब के अंदर जो कसूर है वो अफगानिस्तान के फौजियों का भी नहीं है। वो क्या करें जब उनका असला ब्लैक मार्केट में अशरफ घनी और उसके फौजी मिलकर, यानी कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट मिलकर और सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट मिलकर करप्शन करेंगे, अरबों डॉलर की जायदाद बनाएंगे, तो वो सूरत हाल फिर यही रुख इख्तियार करेगी। अब नाज़रीन किराम, इस सब के अंदर आप एक और खबर देखें। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मुहाजरीन के काफिले काबुल की तरफ आ रहे हैं। काबुल में उनके लिए इंतजामात करने में हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, यानी कि अब काबुल के अंदर लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि उनके अपने इलाकों के अंदर सूरत हाल खराब हो रही है, तशवीशनाक हो रही है। और यही बात अमरीका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कही थी कि काबुल को आइसोलेट कर दिया जाएगा, वहां पर जो लोग होंगे उनका बाकी सबके साथ जो रबता है वो मुनकता भी हो सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। जबकि दूसरी जानब तालिबान की अभी भी नज़रें जो हैं वो हलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह पर लगी हुई हैं और उसके लिए तालिबान सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। उनका नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है, यानी कि तालिबान को अगर अभी रीसेंट पूरे जंग के अंदर पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर जो सबसे बड़ा धचका लगा है, सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, वो भी हलमंद के अंदर ही हुई हैं। और आप ये खबर देखें, तालिबान ने हलमंद पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जे के बाद टैंक, अमरीकी हमवीज, बड़ी तादाद में गाड़ियाँ और भारी असला अपनी तहवील में ले लिया। ये एक बड़ी कामयाबी थी क्योंकि इस पुलिस हेडक्वार्टर के करीब हलमंद के अंदर पिछले तकरीबन 12 दिन से लड़ाई चल रही थी, तो अब बाकायदा तौर पर तालिबान ने इसे कब्जे में तो लिया है। वहीं दूसरी जानिब अब अफगान फोर्सेस जो हैं वो दूसरी चीज़ अपना रही हैं और इस सब में आप ये देख सकते हैं अफगान वजारत दिफा ने नहर सराज और हलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह, एयरफोर्स और अफगान फोर्सेज के हमलों में 45 तालिबान के मारे जाने और 22 के जख्मी होने का दावा किया है। अब यह दावा भी एक बहुत बड़ा दावा है और तालिबान और अफगान फोर्सेज के दरमियान अगर जंग हो रही है, बाकी जगह पर तो सरेंडर हो रहा है, अगर जंग हो रही है बाकायदा तौर पर कहीं, तो वो जगह सिर्फ और सिर्फ हलमंद का दारुल हुकूमत लश्करगाह है।
नाज़रीन इकराम, इसी सब के अंदर अफ़गान तालिबान जो हैं उनकी तरफ से उनका मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान की फोर्सेस की तरफ से जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम इस वक्त बड़ा मुतहर्रिक हुआ हुआ है। और कल तक ये इतलात आई थी कि जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम का बेटा एयरपोर्ट से फरार हो रहा था, तो उस वक्त तालिबान ने उसे कब्ज़े में ले लिया। अब उसके हवाले से भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उससे पहले आप जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम जो है उसके हवाले से ये खबर देखें। जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम के बेटे यार मोहम्मद दोस्तम शबरगान से बच निकलने में कामयाब हो गए। ज़राए के मुताबिक उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए शबरगान से मज़ार शरीफ ले जाया गया, जहां पर उनके वालिद मौजूद हैं। जुम्बिश पार्टी ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया है, यानी कि जो मिली जुम्बिश पार्टी है इनकी जो मलेशिया है अफगानिस्तान के जो जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम हैं उन्होंने इसे कामयाबी करार दिया है कि बेटा सही सलामत वहां से निकलने में कामयाब हो गया, जबकि बेटा उस इलाके में जंग को लीड कर रहा था। जब वही भाग गया तो अब अगली दफा तो वो यहां से मज़ार शरीफ से भी बाप को लेकर भाग जाएगा, तो इसकी वजह से भी काफी वहां पर अजीब सी सूरत हाल है। जबकि अब्दुल रशीद दोस्तम अभी भी मज़ार शरीफ के अंदर मौजूद है और हंगामी मुलाकातें जो है उनका सिलसिला जारी है। आप ये देख सकते हैं अब्दुल रशीद दोस्तम अता मोहम्मद नूर और मोहम्मद मोहक्किक के दरमियान मज़ार शरीफ में मुलाकात, शुमाली अफगानिस्तान की सूरत हाल और मज़ार शरीफ के लिए दिफाई इकदामात पर तबादला ख्याल किया, यानी कि यहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी की पूरी मीटिंग्स की। लेकिन इस सब के अंदर वो खबर जिसने अमरीका को भी तशवीश में मुबतला कर दिया, हमने आपको दो दिन पहले बताया था कि इंडिया के MI-35 दो हेलीकॉप्टर, जंगी हेलीकॉप्टर जिन्हें अफगान गवर्नमेंट को गिफ्ट किया गया था, उन्हें अफगान तालिबान अपनी तहवील में ले चुके हैं। लेकिन अब जो खबर आई है ये जर्मन साफी इस चीज़ को कन्फर्म कर रहा है, द तालिबान नॉट ओनली सीज्ड अप्रॉक्सीमेटली 100 US हमवीज जो इनके गाड़ियाँ हैं एंड मैक्स प्रो MRAPs एट कुंदूज एयरपोर्ट, बट ऑल्सो सेवरल US स्कैन ईगल ड्रोन्स, अमरीका के स्पेशल जो स्कैन ईगल ड्रोन्स हैं वो भी तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। बिलियंस ऑफ US टैक्स पेयर डॉलर गोइंग टू इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस, कह रहे हैं कि अमरीका के टैक्स पेयर का अरबों रुपये का माल अब इंतहा पसंदों को जा रहा है। और इस सब के अंदर कहा गया है कि ना पीस करवा, और तनकीद की गई है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर, नैटो पर और इन सब के ऊपर। लेकिन इससे एक चीज़ वाजे हो चुकी है कि तालिबान MI-35 हेलीकॉप्टर्स, यानी कि हेलीकॉप्टर की भी तहवील उनके हाथ में है, तीन एयरपोर्ट्स भी उनके पास हैं, और अब ड्रोन्स उन्होंने हासिल कर लिए हैं जो कि अब उन्हें जारी बात है लड़ाई के अंदर लेवरेज देंगे, और आने वाले दिनों के अंदर जो उनकी स्पीड है वो मजीद तेज़ होने का इम्कान है। कॉमेंट सेक्शन में कीमती रहेगा, इजहार जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।